पाकिस्तानी लेटेस्ट ड्रामास की तमाम अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मेरा रब वारिस में अब तक आप लोगों ने देखा कि निमरा फैजी से मोहब्बत का इजहार आयशा के सामने कर चुकी है और सब घर वालों को भी पता चल चुका है, लेकिन हारिस की माँ इस बात की मुखालफत पूरे ज़ोर और शोर से करती है और हारिस की वापसी पर उसके कान भरती है कि ये सब आयशा की वजह से हो रहा है। वो जानकर तुम्हारी बहन की शादी अपनी आपा के बेटे से करवाना चाहती हैं, यही हारिस को इतना ज़्यादा बदगुमान करती है कि वो आयशा से आकर कहता है कि आयशा, ये तुमने कैसे सोच लिया कि निमरा की शादी फैजी से हो सकती है। इसके जवाब में आयशा कहती है कि मैं ऐसा क्यों सोचूंगी, ये निमरा का फ़ैसला है और मम्मी पापा करेंगे इसके लिए फ़ैसला, वो उसके बड़े हैं, मैं कौन करती हूँ इसका फ़ैसला। जवाब में हारिस कहता है कि मम्मी तो कह रही हैं कि निमरा को ये रास्ता तुमने दिखाया है, निमरा दूध पीती बच्ची है जिसे आयशा ने कहा होगा, फैजी के पीछे चल पड़ो। वो आंखें बंद करके चल पड़ी। आगे आप लोग देखेंगे कि निमरा फिर से तैयार होकर फैजी से मिलने पहुंच जाती है और जाकर उसे कहती है कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। फैजी जो आयशा के सामने नज़र नहीं उठाता था उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि हाँ बोलो, क्या कहना है, मेरे पास टाइम नहीं, सीधे और साफ अल्फाज में बात करो। इस पर निमरा कहती है कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। ये सुनकर फैजी के चेहरे पर तनसिया मुस्कुराहट आती है कि मेरी इस गलती की वजह से इतनी बड़ी सज़ा मुझे मत दो, मैंने कभी किसी के बारे में ऐसा फील नहीं किया जैसा आपके बारे में किया है। लेकिन फैजी उसे धतका कर वहाँ से चला जाता है। वो रोते हुए घर वापस आती है। उसे इस तरह रोते हुए देखकर उसकी माँ कहती है कि क्या हुआ है, कहाँ से आ रही हो। इस पर वो कहती है कि अगर अम्मी वो मुझे ना मिला तो मैं अपनी जान दे दूँगी। इस सुनकर उसकी माँ उसके मुंह पर हाथ रखती है कि आयशा बोलो, क्या कह रही हो, पागल तो नहीं होगी। आयशा भी उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन निमरा चुप नहीं होती और कहती है कि मैं मर जाऊँगी उसके बगैर, आप समझ क्यों नहीं रही, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। क्या लगता है आप लोगों को, क्या फैजी निमरा से शादी कर लेगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।